ओके स्टूडेंट, वी विल ट्राई टू कम्प्लीट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रायमर डायमर रिएक्शन एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। रायमर डायमर रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान समझेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फिनॉल हम लेते हैं यहाँ पे फिनॉल, और जब इसे हम रिएक्शन कराते हैं CaCl3 एज वेल एज KOH के फॉर्म में, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका OH C डबल बॉन्ड O एंड H। इसे हम सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिसाइल्डिहाइड। और ये ऑर्थो पे बना है इसलिए ऑर्थो हम सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। और क्या बनता है? पैरा पर भी बनता है, OH C डबल बॉन्ड O और H, इसे हम पैरा सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। अब कैसे ये रिएक्शन होती है इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे रिएक्शन। तो अभी देखो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो CaCl3 दिया था आपको, तो अब तो अब एक्सपर्ट हो चुके हो आप कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 Cl है। इन प्रेजेंस ऑफ OH के फॉर्म में ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता था, तो Cl इस पे लोन पर आता था और यहाँ से Cl अनस्टेबल के कारण Cl निकलता था, तो Cl सी पे लोन पेयर प्लस वैकेंट ऑर्बिटल प्लस Cl ये फॉर्म होता था, एज वेल एज H2O प्लस KCl बनता था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने फिनॉल लिया था, यहाँ पे जो आपने फिनॉल लिया था, यदि उसे भी बेसिक मीडियम से ट्रीट कराया जाए तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाता था और ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता था, कुछ ऐसे ये ओ नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया और यहाँ पे प्लस क्या बना, H2O बन गया। अब देखो जरा कि जो ये फिनॉक्साइड आयन बना है इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। अभी फिनॉक्साइड जो आयन है ये अभी इसका RS बनाते हैं, क्या बनाते हैं? RS। अब दो टाइप का RS होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन सकते हैं, कैसे? तो आप देखो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं आपको देखो, ये 2 फोन यहाँ पे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। तो 1, 2, 3 आप घूम सकते हो, 1, 2, 3, 2, 3 का बॉन्ड 1, 2 पर, 1 का चार्ज 3 पर, तो जैसा यहाँ पे आ जाएगा O डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये तो पहले ही था और ये भी पहले था, तो यहाँ पे क्या इसका जो बॉन्ड था यहाँ पे आ गया विद द नेगेटिव चार्ज, इससे मैं ऑर्थो कहूँगा। और यदि यहाँ घुमा दूँ 1, 2, 3 तो क्या बन जाएगा फिर, ये तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो 2, 3 का बॉन्ड है 1, 2 के बीच में, 1, 2 के बीच में और 1 का चार्ज 3 पर यहाँ पे डबल बॉन्ड करके O तो है। अब आप फिर घुमाओगे 1, 2, 3 तो फिर से ऑर्थो पे आ रहा है ना, तो मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा दो ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर जो ये कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसी दोनों पर क्या होगा, कार्बिन का अटैक हो सकता है। तो हम पहले भी ऑर्थो पे करा के देखते हैं एंड लास्ट में फिर हम इसे पैरा पे भी करा के देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेप अभी बन गया आपका, थर्ड स्टेप पे इस पर अटैक होगा अभी किसका, कार्बिन का, सिरप कर रहा हूँ मैं। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो आपका अभी ऑर्थो फॉर्म आपने किया था फिनॉक्साइड आयन का, डबल बॉन्ड ओ था और यहाँ पे देखो 1, 2 और एक लोन पेयर है, 3 और एक क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ओके। और इसमें जैसे ही आपने क्या करनी है, ओके, एंड जैसे इसमें आपने क्या करना है, अभी ये जो क्लोरीन लिया आपने कार्बन, दो क्लोरीन है, एक तो इस पर है वैकेंट, एक तो लोन पेयर है, वैकेंट है। अब ये क्या करता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट में क्या होता है, ये हुआ आपका लोन पेयर मतलब कि फिनॉक्साइड आयन जो कि कुछ फॉर्म ऐसे किए थे और ये लोन पेयर दे करके यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, जिसके कारण कार्बन पर एक लोन पेयर पहले से था जहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ भी है। अब ये क्या है, Cl और Cl था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी ये जो फिनॉक्साइड आयन है मतलब ये जो कंपाउंड है, अभी इसकी एरोमेसिडी है, मतलब ये कैसा है, एरोमेसिडिक है, एरोमेटिक है, ये आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, को 2, 2, 2, 4 और 4, 2, 6, इसे काउंट नहीं करो क्योंकि ये बाहर है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक है ये, यस सर एरोमेटिक है। अब यहाँ काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, 4 ही है, तो एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई, इसे नहीं काउंट करते क्योंकि ये तो बाहर है ना इसके लिए, ठीक है। तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई और जब एरोमेटिसिटी लॉस हो गई तो इसी को हम क्या कहते हैं, RDS, मतलब स्लो स्टेप यही होगी आपकी, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
एंड जैसे देखो इस पे लोन पे आया अभी अभी जो भी कंपाउंड है यदि इसने अपना एरोमेसिडी लॉस किया है तो फिर ये रिगेन भी करेगा, और रिगेन करने के लिए कैसे कर पाएगा, रिगेन करने के लिए जो ये हाइड्रोजन है इसे ये ब्रेक कर लेता है, मतलब इसको यहाँ पे छोड़ देगा और कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि ये लोन पेयर इस पे अनस्टेबल है ये, तो ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ शिफ्ट करता है और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म पे लोन पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे गया, यहाँ कैसे बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है और ये सिग्मा बॉन्ड से सी एच हाइड्रोजन इस पे आ जाता है सी एच, और ये क्या हुआ सी एल एन सी एल, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है निगेटिव चार्ज। अब इसका आर एस बना लो पहले आप, ठीक है, इसका आर एस बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मतलब कंपाउंड है आर एस कैसा होगा, ये लोन पेयर आ जाएगा इस पे और लोन पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट, तो हो गया ओ निगेटिव और इस पे आ गया यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे तो यहाँ पे था ही, यहाँ से क्या हुआ सी एच सी एल सी एल। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या कराएंगे, देखो ये बेसिक रिएक्शन दे सकता है, मीडियम मेरा बेस है और ये एसएन टू रिएक्शन दे सकता है क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है, तो मैंने अभी इसको लिया यहाँ पे मैंने बनाया ओ नेगेटिव, यहाँ से सी एच सी एल एंड सी एल, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या हो सकता है ये सी एल यहाँ से रिस्पेस कर सकता है और जैसे सी एल यहाँ से निकलेगा तो दिखेगा आपको कि कंपाउंड कुछ ऐसे फॉर्म हो रही है, ओ नेगेटिव यहाँ पे सी एच है और यहाँ पे ओ एच ज्वाइन कर लिया है और क्या है यहाँ पे सी एल प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन जानते हो लोन पेयर डोनेट करता है, दो दो चार दो छः सात आठ हो गए, ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो फिर से सी एल यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाता है, इसके कारण क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो ये बना आपका ऐसे, यहाँ पे आ गया ओ नेगेटिव, यहाँ पे है सी एच से देखो लोन पे डोनेट किया डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है और यहाँ से सी एल निकल गया। अब सी एल निकल गया तो हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। अब देखिए देखो लोन पे देने से ऑक्सीजन में क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब जानते हो आप कि ऑक्सीजन में यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल नहीं है वो, उसे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो क्या करता है वो ये जो हाइड्रोजन है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस से रिमूव कर देगा और ये हाइड्रोजन जा कर के इस ऑक्सीजन से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, यहाँ पे आ गया ओ एच, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ और ये हुआ एच, बन गया आपका सैलिसिलाइड। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये चिलेट करता है, मतलब चिलेट मतलब कि ऐसा पकड़ लेता है ऐसा चिलेटिंग, तो इसके कारण क्या होता है ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और वही यदि कार्बिन का रिएक्शन मैंने कहाँ पर कराया होता, जैसे मैंने कार्बिन का जो अटैक था यदि उसे मैंने इस पर पैरा पोजिशन पर कराया होता तो ये कुछ ऐसा बनता, ठीक है, और ये क्या होता माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई चिलेटिंग सब्स नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई बॉन्ड नहीं है, तो काफ़ी आसान रिएक्शन है राइमर-डाइमर की रिएक्शन। सो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, सो थैंक यू सो मच। एक रिएक्शन आपको देता हूँ करने के लिए, इस पर आप ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क के लिए आपका, कि कंपाउंड मैंने आपको दिया है यहाँ पे CH3 दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या है आपका OH दिया है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन आप कराओ इन प्रेजेंस ऑफ CH Cl3 एंड KOH, प्रोडक्ट भी मैं लिख देता हूँ आप बनाना, क्योंकि देखो ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे दो कंपाउंड ऐड हो गए ना, तो ऑर्थो नहीं बनेगा, क्या बनेगा पैरा ही बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या रहेगा एच रहे इस पर OH और यहाँ से CH3। ओके थैंक यू।